सीएसके में होगी बूढ़े खिलाड़ी की एंट्री। इस खिलाड़ी के लिए करोड़ों खर्च करेगी सीएसके। धोनी का है लकी चार्म। मैदान पर मचाता है कोहराम। आईपीएल 2025 से पहले इस साल दिसंबर में मेगा ऑक्शन होगा। मेगा ऑक्शन में सभी टीमों का बदलना तय है। ऐसे में 5 बार की चैंपियंस एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में भी बदलाव होगा। टीमें मेगा ऑक्शन में कई बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगाएंगी, लेकिन अगर ऑक्शन में ये खिलाड़ी आया तो चेन्नई सुपर किंग्स इस खिलाड़ी पर जरूर दाव लगाएगी। उसे अपने साथ शामिल करने के लिए चेन्नई खूब पैसा लुटा सकती है। ये कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी धोनी का लकी चार्म है। इस खिलाड़ी का धोनी की टीम में होना मतलब ट्रॉफी जीतने की गारंटी। ये खिलाड़ी मैदान पर धमाकेदार प्रदर्शन करता है और विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ये खिलाड़ी, लेकिन उससे पहले अगर आप आईपीएल के पक्के वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कॉमेंट करके बताइए कि आईपीएल में कौन सी है आपकी सबसे पसंदीदा टीम। सीएसके में होगी सीनियर खिलाड़ी की एंट्री। चेन्नई सुपर किंग्स वो टीम जिसने 5-5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, वह टीम जो आईपीएल की सबसे सफल टीमों में शुमार है। आईपीएल 2025 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को भी एक तूफानी टीम तैयार करनी है, तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स भी कई अहम खिलाड़ियों पर दाव लगाने वाली है। लेकिन मेगा ऑक्शन में एक खिलाड़ी ऐसा होगा जिस पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जरूर दाव लगाएगी, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, यह खिलाड़ी है धोनी का लकी चार्म। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने अभी तक मेगा ऑक्शन के नियमों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि ऑक्शन में रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या 4 होगी और 2 आरटीएम का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम पीयूष चावला को पक्का रिलीज करेगी, क्योंकि वह उनके टॉप प्रायोरिटी वाले खिलाड़ियों में नहीं है जिन्हें वह रिटेन करेगी। यानी पीयूष का मेगा ऑक्शन में शामिल होना लगभग तय है। अगर पीयूष मेगा ऑक्शन में आते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स उन पर दाव खेल सकती है। सीएसके के लिए साबित होंगे तुरुप का इक्का। चेन्नई पीयूष चावला को इसलिए भी शामिल कर सकती है क्योंकि सीएसके का होम ग्राउंड चेपोक स्पिन गेंदबाजों के लिए मुफीद है। यहां तेज गेंदबाजों के मुकाबले स्पिन गेंदबाजों को काफी ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा चेन्नई पीयूष को इसलिए भी शामिल कर सकती है क्योंकि वह उनके लिए लकी चार्म रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पीयूष 2020 में चेन्नई की विजेता टीम का सदस्य रहे हैं, सीनियर खिलाड़ियों में से भी एक हैं। कैसा रहा है आईपीएल में प्रदर्शन? पीयूष चावला ने इस लीग में अब तक 192 मैच खेले हैं और इन मैचों में 189 पारियों में 192 विकेट झटके हैं। आईपीएल में पीयूष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर 4 विकेट का रहा है और उन्होंने 2 बार 4 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने इन मैचों में 5040 गेंदें फेंकी हैं और 3802 रन बनाए हैं। उनका इकोनॉमी रेट 7.95 का रहा है, जबकि औसत 27.97 का रहा। वे 2008 से लगातार आईपीएल खेल रहे हैं और वे इस टूर्नामेंट के सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया कि कौन है धोनी का लकी चार्म और चेन्नई किस खिलाड़ी पर खेलेगी बड़ा दाव। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2025 का खिताब जीत पाएगी? क्या सीएसके की टीम आईपीएल 2025 की चैंपियन बन पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।